बालिकाओं और कलाकारों के हैरतअंगेज करतबों से ना कि आपका मनोरंजन होगा बल्कि दांतों तले उंगली दबाने को भी मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ, अचंभित कर देने वाले ऐसे एक नहीं कई करतबों की चर्चा इन दिनों दर्शकों की जुबान पर है। दरअसल कस्बा सिधौली में श्री गांधी महाविद्यालय पड़ाव मैदान पर करीब दो दशकों बाद एक बार फिर सर्कस का पंडाल सजा है। यहाँ सन 2000 के आसपास एक सर्कस हुई थी। द ग्रेस एशियन सर्कस का उद्घाटन वंदे मातरम गान के साथ हुआ। इसके बाद एरोबिकस, जगलिंग, वैलेंसिंग सहित कई तरह के आश्चर्यचकित कर देने वाले खेलों का प्रदर्शन सर्कस के कलाकारों ने किया। फिलहाल सर्कस के तीन शो निर्धारित किए गए हैं। पहला शो दोपहर 1 बजे से शुरू होता है। सर्कस के मैनेजर वकील अहमद ने आई इंडिया को जानकारी देते हुए बताया। आप इसमें किस पद पे हैं? मैनेजमेंट आप देखते हैं, तो आपके पास कौन कौन से खेल हैं? तो सारे जमनाशी प्रोग्राम है। पहले जानवर थे, अच्छा, शेर घोड़े हाथी सब थे। पहले सरकार ने पाबंदी लगा दी जमनाशी प्रोग्राम। तो आप अपने सर्कस के माध्यम से लोगों को क्या कहना चाहेंगे? कि अब माध्यम यही कहना चाहेंगे, आए लोग अपना मनोरंजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक तो पहुँचे और आनंद लें अपना काम का। कितने दिन तक ये सर्कस चलेगी? 1 महीने का तो है। कब से कब तक चलेगी? 1 जुलाई बस से चल रहा है। तो इसके लिए आपने आपने नगर पंचायत से परमिशन ली है? और कुछ लोगों को आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? अब तो दर्शकों से यही चाहेंगे कि लोग ज़्यादा संख्या में आएं और देखें। और यहाँ पे एक दो झूले भी लग रहे हैं यहाँ पे, अच्छा, बच्चों के लिए भी लग रहे हैं आइटम। ज़्यादा लोग आएं, देखें, आनंद लें और जो आए वो अपना गांव में भी प्रचार करें कि हाँ भाई सर्कस आया हुआ है बहुत दिनों के बाद, आए अपना देखें। क्योंकि ये सब चीज़ें तो बराबर आती नहीं हैं, दो चार साल पाँच साल के बाद आती हैं। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।